विंग्स फैंटम 500. सो ये इसका रिव्यू बहुत पहले से आने वाला था. तो हमने पहले एक विंग्स के भी TWS रिव्यू कर रखे हैं, वो है विंग्स हॉक. एंड उस समय इतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था. लेट्स सी इसके अंदर क्या रिजल्ट निकल के आते हैं. विंग्स इस टाइम पे कुछ इंप्रूव किया है या नहीं किया है. काफी अच्छे एंड काफी कॉस्टली भी निकल रहे हैं. 2500 की रेंज में आते हैं. वो जो हमने रिव्यू किए थे वो 2000 के लॉन्च हुए थे एंड अभी कुछ 1500 के चल रहे हैं. मे बी इसका भी गिर गया हो कुछ प्राइस. 2500 करंटली चल रहा है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ. डब्बा खोल लेते हैं. वेल सो ऐसा कुछ अपना बॉक्स देखने को मिलता है. अंदर से सबसे पहले अपना केस एंड उसके अंदर अपने बड्स दिख जाते हैं. कुछ ईयर टिप्स, एक टाइप सी, टाइप ए टू टाइप सी केबल एंड पेपरवर्क्स, बाकी और कुछ नहीं. वेल सो बॉक्स में कुछ इतना इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिला है. हालांकि इसका जो स्ट्रक्चर वाइज है, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं एंड स्पेक्स के बारे में बात कर ही लेते हैं. तो देखो स्ट्रक्चर इसका मुझे एज ऑफ है ना अच्छा लगा. लुक इसकी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी मुझे. इसकी जो ये लाइटिंग है, LED है, ये मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी. एंड बड्स का जो शेप है वो भी मैचिंग है. तो एक सिंगल पर्टिकुलर लाइट में ये मुझे काफी ज्यादा सही लगा. एंड दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, इसका जो कनेक्टिविटी है उसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाता है या 5.0 आई गेस. एंड उससे ना इसकी कनेक्टिविटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता. हालांकि क्योंकि ऑटो कनेक्शन जैसा इसमें कुछ नहीं है. लास्ट जो डिवाइस पेयर था हाँ उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है, पर स्विच करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी. जैसे आपने लास्ट डिवाइस को अनपेयर कर दिया तो अभी आपको है ना कुछ नए डिवाइस से अलग से जाके, जिसमें अगर ऑलरेडी पेयर्ड तो आपको वापस पेयर करना ही पड़ेगा उसके अंदर. एंड दूसरी चीज़ इसकी साउंड क्वालिटी मुझे नेक्स्ट लेवल लगी. मतलब काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लगी. बेस अच्छा है इसका. ट्रेबल्स एंड अदर जो नॉर्मल साउंड के बारे में बात करें, इसके अंदर साउंड कटती बहुत है. जैसे कि 1 आवर या 1 से 2 घंटे आपने यूज़ किए उसके अंदर आपको है ना 1 से 2 बार इसमें थोड़ा सा स्टटर बोलते हो ना जिसको, वो थोड़ा सा फील करने को मिल जाएगा. ये तो हो गई इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में. बट एक लगे आज लेटेंसी के बारे में बात करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी, क्योंकि ये एज अ गेमिंग कैटेगरी की TWS निकल के आए. तो गेमिंग कैटेगरी के अंदर इसकी लेटेंसी टेस्ट के बारे में बात करें, फटाफट से आके देखो वो उसका टेस्ट हम पहले ही कर चुके हैं. एडवांस्ड, काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है. सो एज ऑफ लेटेंसी में देखो ड्रॉप समझ में नहीं आएगा. लो लेटेंसी का सपोर्ट है एंड 30 आवर्स इंक्लूडिंग केस का बैटरी लाइफ इसके अंदर आपको मिल रहा है. तो उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. बट इसके अंदर एक मेजर दिक्कत मैं बताऊँ क्या लगी. इसको मैंने सुबह वॉकिंग में यूज़ किया, जॉगिंग में यूज़ किया. फिट इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. व्हीकल्स व्हाइल ड्राइविंग टू व्हीलर्स ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. लाइक रोड पे गड्ढे वड्ढे भी होते हैं बट ये गिरते नहीं है. फिट इसका काफ़ी ज़्यादा मस्त है. कान में दुखता भी नहीं है. 3 से 4 घंटे मैं इसको डेली का यूज़ कर रहा हूँ एंड मेरे को इसमें कोई दिक्कत लगती नहीं है. तो उस हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. IPX5 स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी है तो उस चक्कर में थोड़ा वाटरप्रूफ हो गया. तो ये 2500 में इन्होंने कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड नहीं किए जो नॉर्मल कंपनीज प्रोवाइड करती है, वैसा कुछ लगा. 3 ड्रॉबैक है इसके अंदर. पहली चीज़ इसका जो केस क्वालिटी है मुझे अच्छी नहीं लगी. केस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है. आप 2500 के हैं, काफ़ी ज़्यादा भारी भी है. टाइप सी इनपुट है फास्ट चार्जिंग में. तो देखो केस क्वालिटी इतनी ज़्यादा हल्की नहीं देनी चाहिए. तो थोड़ा सा ऐसा करेंगे बंद हो जाएगा, वापस थोड़ा सा खोलूँगा ऐसे करूँगा बंद हो जाएगा. तो इधर थोड़ा सा एक हाइड्रोलिक कुछ प्रेशर होना चाहिए था, उस चक्कर में बहुत अच्छा लगता. बाकी इसकी जो लाइटिंग है इधर की, ये मुझे एज ऑफ बहुत मस्त लगी. मतलब लुक वाइज देखें या थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है ये. ये केस अगर बाजू में कहीं पड़ा हो, मैं टेबल पे भी रख देता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. कभी कभी मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालता हूँ उसके रिलेटेड, ऐसे टेबल पूरा ऐसा सजा के मैं स्टोरी डाला करता हूँ. उसे जाके फॉलो कर सकते हो ऐसे कुछ अपडेट्स देखने के लिए. एंड अभी रिसेंट कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो. बर्ड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा मस्त लगे. सब चीज़ें इसके अंदर एक्यूरेट है. 2500 की रेंज में अगर ये आ रहा है तो ये बहुत मस्त बर्ड्स हैं. मिनिमल है, अच्छा डिज़ाइन है, नीचे की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है. फिट भी अच्छा है एंड साउंड क्वालिटी भी बहुत नेक्स्ट लेवल है. बाहर का साउंड भी इतना सुनाई नहीं देता. कॉल नॉइज रिडक्शन है, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा. एंड बाकी इसका एक दो ही ड्रॉबैक हो गए. एक तो ये केस वाला एंड एक हो गया ये जो इसका साउंड का स्टटर थोड़ा सा अपने को फील होता है ना, साउंड थोड़ी थोड़ी कटती रहती है तो वो मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी. एंड बड्स की जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ी सी कम है नॉर्मल बड्स से ज़्यादा. मतलब इन वॉक ही मतलब 2 से 3 घंटे या मैक्स टू मैक्स 4 घंटे अगर कभी कभी बीच में म्यूजिक में पॉज ले लिया तो. बाकी हाँ गेम मोड है इसके अंदर. 2 मोड्स में देखने को मिल जाते हैं आपको इसके अंदर, गेम मोड एंड नॉर्मल म्यूजिक मोड. तो देखो अगर बात करो कि इसको लेना वर्थ है कि नहीं, तो 2500 रुपये में विंग्स फैंटम 500 लुक वाइज देखो कुछ लेने जाओ तो ये फॉर श्योर रिकमेंडेड रहेगा. एंड बाकी अगर फीचर्स हाई ऑन फीचर्स पे जाना है
तो ट्रियो बीटीजी के अंदर आप शिफ्ट हो सकते हो क्योंकि मैं उसको यूज कर चुका हूँ। एंड उसमें अगर नहीं जाना है तो यू कैन शिफ्ट टू नेक बेंड्स या बोट के भी आते हैं, 2000 में बोट एयरडॉप्स आ जाते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो, वो भी काफी ज्यादा मस्त है। मैं ट्राई करूंगा, उसका भी एक रिव्यू इसके साथ कंपेरिजन में आ जाए। बाकी दोनों का सेगमेंट अलग है, ये गेमिंग है, वो नॉर्मल आते हैं, तो सेगमेंट अलग है। तो सेगमेंट वाइज देखो तो ये 2500 में वर्थ इट है। एंड अगर ऐसे ही जाना है नॉर्मल डेली यूजेस के लिए तो फिर इसको छोड़ के बोट एयरडॉप्स में जा सकते हो, वो तो 2000 के ही आते हैं एंड ये 2500 का है। तो उस हिसाब से मुझे इसकी प्राइस थोड़ी सी जस्टिफाइड नहीं लगी, 2000 ज़्यादा ज़्यादा होनी चाहिए थी इसकी प्राइस, 2000 में काफ़ी मस्त चीज़ है। तो चलो फिर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में बताने लगा कितने ही था इस बर्ड्स के अंदर, बाकी कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।